पेश इमाम साहब निकल गए बाद नमाज फजर का मंजर। सॉरी क्या कितना बज रहा है यार, सात ही बजा यार, अभी 5 बजे तो फजर हुई थी, ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ। और पब्लिक कम चल रही लेकिन जुमा में पूरा फुल हो जाएगा। तो आप लोग देखिए मैं अभी लाइव हूँ गरीब नवाज गेस्ट हाउस से। तकरीबन 11:40 हो रहे हैं, आज जुमा का दिन 1 जुलाई 2022। तो बात ऐसी है भाई, ये देखो इस सुबह का मंजर, पानी देखो अभी, यानी सुबह से लेके अभी तक का मंजर। ये देखो भाई पानी देखो कैसा आ रहा था, जुमा को दुआ की गई थी अजमेर शरीफ में और इस जुमा को 12 ने रहमत बारिश हो रही। पिछले जुमा को इमाम साहब ने दुआ किए थे बारिश के लिए और इस जुमा को बहुत जोरदार बारिश, आज जुमा 1 जुलाई 2022। ये सब आज के मंजर है। मुबारक बाद वगैरह सब डाला था भाई। पानी देखो कितना बरसा है, बहुत पानी यार, बहुत पानी। देखो 12 ने रहमत, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आज के मंजर है भाई। वाईफाई नहीं है इसलिए ये मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके ये मोबाइल की वीडियो स्क्रीन से शॉट लेके बता रहा हूँ आपको, तो गम्मत बताता। देखो ये देखो पानी देखो कैसा भर गया। अरे कहाँ गया यार वो वीडियो, ये तो बारिश तो बहुत आई अल्हम्दुलिल्लाह, यार पानी वाला वीडियो कहाँ गया यार। ये इधर है, ये देखो क्या हाल हुआ है। पानी देखो भाई अजमेर शरीफ में, पानी देखो यार अजमेर शरीफ में, समझ में नहीं आ रहा भाई कैसा, जो सुबह से फंसा हुआ पूरा भर गया यार। बाप रे, तो आप देख सकते हैं नमाज हो गई, पहले ही बहुत पब्लिक बाहर निकल गई। ये अकबरी मस्जिद है, इसको जब बादशाह और शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने को जब मन्नत पूरी हुई थी उनकी, जो पैदल चल के दिल्ली से अजमेर आए थे ना वो अपने बेटे की मन्नत पूरी करने, तो जब सलीम पैदा हुए तो उन्होंने ये अकबरी मस्जिद को बनाने का हुक्म दिया। ये लाल कलर के पत्थरों से बनी हुई मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत चौड़ी है इसका अहाता। इसकी डिटेल्स आपको गूगल पर मिल जाएंगी। तो बारिश शुरू हुई है अजमेर शरीफ में आज बरोज़ 1 जुलाई 2022 जुमा का मंजर। जी हाँ इंशाल्लाह, असर में इंशाल्लाह, असर में नहीं अभी खिदमत में, खिदमत होती है ना 3 बजे। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ना, लेकिन बारिश हो ही रही है। बाद नमाज जुमा का मंजर, पब्लिक कम हो गई क्योंकि 3 बजे वाली नमाज में था मैं, यानी 2 बजे वाली में था, तो अभी 3 बजे नमाज ख़त्म हुई। बाकी तो पूरा मजमा बाहर है दरगाह बाज़ार अजमेर शरीफ रोड पे। सुबह ही पूरा पानी भरा हुआ था, देखो जो मैंने वीडियो बताया। बारगाह गरीब नवाज अता है रसूल से आप सबको, आज 1 जुलाई 2022 को जुमा की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बाद नमाज जुमा का मंज़र आज 1 जुलाई 2022 3 बज रहा है तकरीबन। मेरे सरकार का गुंबद देखो, बारान रहमत बारिश की पौछार हो रही है, बारिश शुरू हुई है हल्की हल्की, बादल भी बड़े प्यारे हैं। तो यही है तमन्ना तो यही है।
गिरा है दिल मैं जमालुन का नजर में नामुन का लबों पर रहे नामुन का लबों पर रहे अच्छा तो यही है बताते हैं आसार बताते हैं मदीना तो यही है मदीना तो यही है तकदीर है तमन्ना तो यही है तमन्ना तो यही है तैबा मैं हूँ सब कुछ मेरे दामन में है आसी तैबा मैं हूँ सब कुछ तो आप देख सकते हैं असर से पहले का वक्त है और तकरीबन 5 बज चुके हैं। जज़ाकअल्लाह खैर। तो ऐसा चल रहा है, बारिश तो कंटिन्यू चली रही है, हो ही रही है और ज़ायरीन की तादाद भी बढ़ते जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुमा 1 जुलाई 2022, आशिक के भाई का इंतकाल हो गया। बहुत अफसोस हो रहा है यार, इतने नौजवान इंसान हट्टे कट्टे कैसे चले गए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बरोज़ 1 जुलाई 2022 एंड आई हैव लाइव फ्रॉम अजमेर शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबसे ख़ास, बहुत ही ख़ास अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो बहुत जो भी मोहब्बत है ये नमाज़ते अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह। आज 9:21 हो रहे, मैं अभी कनेक्टेड हूँ इसलिए आप तो जानते ही हैं। ईशा के लिए जा रहा, 9:30 की जमात है। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉक 010 औलिया तसव्वुफ चैनल 2.0 के लिए आज 1 ज़िलक़द का महीना, डेट क्या है यार, 1 जुलाई। जज़ाकअल्लाह। शाम होती और फौरन सलाम शुरू करते, वो जो खड़े हैं ना, वो जो खड़े वो काजी में, वो फौरन सलाम शुरू करते हैं। ये जो हजरत हैं सलाम पढ़ते हैं। बाद नमाज इशा का मंजर, सलाम हो रहा है देखो बाद नमाज इशा। आज बरोज 1 जुलाई 2022।
अली अंदर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खिदमत में रहते हैं, फर्शी वगैरह अंदर की पूरी पोछते हैं अली हमारे भाई। अब क्या है आज कुछ नया, हम लोग कैमरे के सामने आते तो दोनों मुस्कुरा देते हैं, सरकार के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। या गरीब नवाज अली अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज के बारगाह अकदस में अंदर मज़ार शरीफ के पास खिदमत में रहते अल्हम्दुलिल्लाह। दरबार बंद होने से पहले बच्चे की कुछ फिक्र ही नहीं है। तो ये बैठा हुआ है कादरी भाई मेरे साथ। मैं पूछ रहा हूँ